हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, आई एम पुष्पा दाकर ने वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लकार के बारे में। जी हाँ, टेंस के बारे में। संस्कृत में लकार कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं आपके, हिंदी में क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। तो आइए, संस्कृत में जो लकार होते हैं, बेसिकली आपके 10 टाइप के लकार होते हैं संस्कृत में, लेकिन आपको 5 तरह के ही पढ़ना है। इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में 10 तरह के होते हैं, लेकिन आपको 5 तरह के पढ़ना है। तो देखिएगा, पहला आपका होता है लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। सेकेंड होता है लिट लकार या भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। थर्ड होता है लंग लकार, भूतकाल या फिर पास्ट टेंस। फोर्थ होता है लोट लकार, आज्ञार्थ काल। और फिफ्थ होता है विधिलिंग लकार, विद्यार्थ काल होता है। अब जब हम इनको पढ़ेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि बाकी के जो दो टेंस हैं उनको हमने क्यों लिया है। वैसे बेसिकली एक आइडिया दे दूं, लोट लकार में जैसे कि हम बोलते हैं ना, यू शुड गो, यू कम, जहाँ पे शुड, शुड, वुड, कुड, इस तरह की चीजें आती ना, तो वहाँ पे हम लोट लकार मोस्टली यूज करते हैं। विधिलकार में ऑर्डर एंड वो होता है, जैसे आपने कई बार ऑर्डर, सजेशन, कमांड, इस तरह की चीजें होती है ना, वहाँ पे दोनों टेंस का यूज किया जाता है, दोनों लकार का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, पूरे एक एक टेंस को आसानी से विद फॉर्मूला, विद ट्रिक इससे वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लट लकार। लट लकार में हमें सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए पहले हम इसको एक फॉर्मूला लिखेंगे, और वो फॉर्मूला आपको समझना है, उसी के हिसाब से हम पूरी चीजें बना सकते हैं जो पेपर मोस्टली जैसे आती हैं। तो हम अपन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे एक मैं टेबल बना रहा हूँ, तो जैसे देखेंगे हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ लिखना हमें पुरुष, यहाँ लिखेंगे एक वचन, फिर यहाँ पे दो ही वचन, मैं थोड़ा कम स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, और यहाँ पे बहुवचन, एक वचन, दो ही वचन और बहुवचन। तो पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और जी हाँ उत्तम पुरुष। आपने अभी पढ़े होंगे, ये पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लकार आना चाहिए तो बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला एक बन रहा है, तो ये आपको याद करना है एल्गोरिथम में। तीता अंति, तीता अंति, सी था, था, आमी, आव, आम। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, तीता अंति, सीता था, आमी, आव, आम, ये विसर्ग है, आमी, आव, आम। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीता अंति, सीता था, आमी, आव, आम। अब जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कहा जाए कि जैसे भव धातु, मैं भव धातु ले रहा हूँ, भव मीन्स क्या होता है, भव मीन्स होता है होना, समथिंग हैपेंड, भव मीन्स क्या होता है होना। तो इस भव धातु से कहा कि जो भव धातु है उस धातु से आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके बताना है। तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिएगा मैं इसको इसी टेबल से इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आप जरा समझ लीजिएगा बात को, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने आप काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दो तीन कॉलम बनाने वाला हूँ मैं, किसके लिए, एक एक वचन के लिए बना रहा हूँ मैं, एक वचन के लिए, आपका दो ही वचन के लिए और बहुवचन के लिए, ठीक है, बाकी तो अपने आप ही हो जाना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, ती लिखा है, क्या लिखा है, ती, तो इसको आप लिख देंगे भव ती, ये हो जाएगा भव तह, और ये हो जाएगा भव, और ये मात्रा है तो भवंती, आ तो लिखेंगे नहीं, उसी तरीके से हो जाएगा भव सी, हो जाएगा भव थ, और ये भवत, ये हो जाएगा भवामी, देखो आमी है तो भवामी, आवे है तो भवाव, और ये हो जाएगा भवाम है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी धातु, धातु मीन्स होता है वर्ब, वर्ब जो आपकी होती है, वर्ब को आपको संस्कृत में धातु बोलते हैं, तो भवती, भवत, भवंती, भवसी, भवसी, ये सी है ना, भवसी, भवत है, भवत, भवामी, भवाव, भवाम है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी वर्ब, कोई भी धातु, कोई भी चीज आती है तो आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, तीता अंति, सीता था, आमी, आव, आम, तीता अंति, सीता था, आमी, आव, आम। एक एल्गोरिथम, एक रिदम बना लीजिए, बकायदा आपको यूं यूं याद हो जाएगी। आपको ध्यान ही रखना है प्रथम, मध्यम, उत्तम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अभी जब हम टेंस में जब सेंटेंस बनाएंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको, हम जब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू संस्कृत और इंग्लिश टू संस्कृत, तो मैं उसमें आपको ये चीजें बताऊंगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको ये आना चाहिए। तो आगे आपको समझ में, ये था लट लकार। अब हम आते हैं लिट लकार पे। तो
तो मैं यहीं इसको बस ऐसे लिट कर देता हूँ। लिट लकार में यहाँ पे कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला हम ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बस वो था आपका तीता अंति सीता था आमी आवाम। लेकिन लिट लकार भविष्य काल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, इस्यति इस्यतः इस्यन्ति, मतलब इश जुड़ गया बस, ई श य इष्यन्ति इष्यसि, बस ये सब इश जुड़ा है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इष्यामि इष्याव इष्यामः। तो आपको जैसे मैं इसी कोई भव को ही अगर मान लेता हूँ, भव को ही अगर मुझे करना होगा तो मैं इसको किस तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आप देखिएगा जरा। तो आपसे कहा जाए कि भव धातु का लिट लकार में सब्स्टिट्यूशन कीजिए, उसको बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है। आप यहाँ पर लिखेंगे भव, तो देखिएगा जो ई की मात्रा है, ये मात्रा चढ़ती हमेशा आप जानते हैं, तो जाएगा भविष्यति भविष्यति, ये हो जाएगा आपका भविष्यत भविष्यत, और ये भविष्यन्ति क्या हो जाएगा, भविष्यन्ति। तो भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, भविष्य भविष्यसि, क्या हो जाएगा, भविष्यसि भविष्यतः, और ये भविष्यत भविष्यत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा भविष्यामि भविष्यामि, हो जाएगा भविष्याव हो जाएगा भविष्याम। तो आपने सिर्फ क्या करा, इष्यति जोड़ दिया, इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यत इष्यत इष्यामि इष्याव इष्याम। तो भव हो या कोई भी धातु क्यों ना हो, तो आप उसमें आसानी से बस क्या करना है आपको, इष्यति इष्यति मतलब इष्यति जोड़ना है आपको जो भी फॉर्मूले के हिसाब से। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको याद बना रहे। तो अब आते हैं हम लंग लकार पे, तो लंग लकार पे मैं इसको अलग से बना लेता हूँ तो बेटर है। लंग लकार, लंग लकार मीन्स आप जानते ही हैं क्या होता है, लंग लकार मीन्स भूतकाल होता है, पास्ट टेंस होता है। तो इसका मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुरुष, और ये आपका हो जाएगा एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और इसके बाद यहाँ पे कौन है अपना, प्रथम पुरुष द्वितीय मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अत प्लस लगा रहा हूँ बीच में, प्लस क्यों लगा रहा हूँ इसका रीजन मैं आपको जब एग्जांपल देके बताऊंगा तब समझाऊंगा, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, अत अताम अन अत अताम अन अह अतम अत, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ताम है हलंत है, यहाँ पे ताम है हलंत नहीं है, अम आव आम। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बन गया अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम। एक बार और आप बोल लीजिए ऐसे ही करके, अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम। तो मैं इसको धातु में करता हूँ इसका यूज, तो वही धातु मेरी फेवरेट धातु है भव, मेरी बिल्कुल फेवरेट धातु है भव को मैं कई बार यूज करता हूँ और बताता हूँ, इसमें बच्चे को भी बहुत मजा आता है भव से, क्योंकि अभी देखिए क्या क्या मजा आने वाला है। तो भव को आप देखो, भू भव आपको जैसे इंग्लिश में होता है ना, ए आपका जैसे गो वेंट गॉन कम केम कम, उसी तरीके से यहाँ भी होता है, जैसे भू भी लिख सकते हैं और भव भी लिख सकते हैं, आ भू या भव इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज होना हैपन है ना। तो जैसे मैं इसको बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ, आप एक वचन फिर एक द्विवचन और एक आपका बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष के लिए अपन समय दे देंगे, यहाँ पे आप मध्यम के लिए कर देना और ये उत्तम के लिए है ही आपके पास। तो प्लस का साइन लगाया क्यों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप भव का यूज कर रहे हैं तो आ फिर आपको धातु लिखनी, जो प्लस का साइन है ना, जो प्लस का चिन्ह है वहां पे आपको वो धातु लिखनी है, तो आ भवत क्या हो जाएगा, ये आ भवत, आप समझ गए होंगे, आप पुट कर देते आ भव ताम आ भव लिखेंगे और ना लगा था आभवन। तो देखो जहां जहां प्लस लिखा था वहां वहां आपको धातु रखनी है, यही ये आपका सिर्फ इसी में ही होता है, सिर्फ लंग लकार में ही ऐसा होता है कि बीच में अपन धातु को रखते हैं, बाकी सभी में आखिरी में ही जुड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ भवे आ भवतम और आ भवत, ध्यान क्या रखना, यहाँ पे ताम है हलंत, यहाँ पे ताम है हलंत नहीं है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आभवम आभवम आभवाव आभवाव अभाव और आ भवम
अभवाव अभवम भवाम, तो अभवत अभवताम अभवम, अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। तो ये आपका लंग लकार में, मतलब आपका पास्ट टेंस में, ये इस तरीके से आपको कोई भी जो लकार धातु होती वो आपको यहाँ पे पुट अंदर प्लस की जगह आपको रखना पड़ेगा, जो प्लस का चिन्ह बना, जो धन चिन्ह बना वो इसकी जगह आपको रखना है उस तो धातु को। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हमारे पास तो ये हो गया, तीनों लकार आपके कौन कौन हो गए, आपके प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया और पास्ट टेंस हो गया, मतलब आपका लट लकार और लंग लकार हो गया। अब हम आते हैं लोट लकार पर, तो चलिए लोट लकार पर आते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, तूता मंतु कुछ नहीं तमता आनी आवाम, तूताम अंतु कुछ नहीं तमता आनी आवाम। तो अब इसको हम धातु में पुट करेंगे, धातु में पुट करेंगे वही मेरी फेवरेट, मैं भव लेता हूं हमेशा, तो भव, तो क्या हो जाएगा आपका ये भव तू, भव ताम और ये भवंतु, भव तू भव ताम भवंतु, और ये ओनली हो जाएगा भव, ये चेंज नहीं होगा भव, और हो जाएगा भव तम और ये हो जाएगा भवत। इसके बाद ये हो जाएगा आपका भवानी, ये आपका भवाव और ये आपका भवाम। तू ताम अंतु कुछ नहीं तमता आनी आवाम, उसी तरीके से भव तू भवताम भवंतु, भव भवतम भवत भवामनी भवाव भवाम भवाम। तो इसी तरीके से आपका लोट लकार हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका विधिलिंग लकार पे आते हैं, विधिलिंग लकार, तो क्या हो जाएगा, एत एताम एयू ए है एतम एत एम एव एम। तो मैं ही वही आपकी फेवरेट धातु में लेने वाला हूँ, आप शायद आप अब तक तो आपकी भी फेवरेट हो गई होगी ये भव। तो हम जैसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ए की मात्रा चढ़ेगी, हमेशा ये ध्यान रखना, मात्र ए है तो मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका भवेत भवे ताम और ये भवेयू, भवेत भवेताम भवेयू, फिर इसके बाद भवे भवेतम और ये हो जाएगा भवेत, क्या हो जाएगा भवेत, और हो जाएगा भवेयम भवेव और भवेम। तो ए तेताम एयू तो भवेत भवेताम भवेयू, भवेहे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवेम। तो इस तरीके से आपका जो है पांचों जो लकार थे टेंस थे वो आपके ख़त्म हो गए हैं। तो आप, मुझे उम्मीद आपसे बिल्कुल पूरी है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको, अगर इसके बेसिक्स नहीं आते, आपको पर्स नहीं पता, आपको लिंग नहीं पता, आपको वचन नहीं पता, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक्स के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे आपको टेंस बनाने, आपको ट्रांसलेट करना, जो कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।